सो फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पोको का नया फोन लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में 4 फरवरी को। और ये फोन दोस्तों 4 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा पोको X2 के नाम से। जी हाँ दोस्तों, पोको X2 के नाम से। और ये एक मिड रेंज फोन होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे कमाल के स्पेक आपको देखने को मिलेंगे और जो प्राइसिंग होगी दोस्तों वो भी कमाल की होने वाली है। तो अब Realme को दोस्तों पोको की तरफ से जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है और पोको दोस्तों एक धमाका करने वाला है 4 फरवरी को। लेकिन इस फोन में क्या होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या प्राइस होगी, कैसा रहने वाला है ये फोन, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये जो फोन है पोको X2, ये Redmi K30 4G जो चाइना में लॉन्च हुआ है उसी का एक रीब्रांड वर्जन होने वाला है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लीक्स और बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आ गए हैं जिससे ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि पोको X2 वो Redmi K30 का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। जैसा पहले Realme करता था Oppo की कोई फोन्स को जो है रीब्रांड करके Realme की ब्रांड के साथ जो है लॉन्च करता था, तो वैसा ही कुछ स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे पोको ने भी अपनाई है। और यहाँ पे पोको X2 जो है Redmi K30 का रीब्रांड वर्जन होने वाला है। तो क्या होगा पोको X2 में, चलिए जान लेते हैं। 6.67 इंच की आपको एक फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहां पे आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलने वाला है जिसमें दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं आगे इस फोन के बैक पैनल की, तो बैक पैनल काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है। कई कलर ऑप्शन में आपको ये फोन देखने को मिलेगा और पीछे आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। पीछे कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इस फोन के प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 730G का चिपसेट मिलने वाला है, जो नो डाउट बहुत ही अच्छा चिपसेट है और ये फोन जो आपको कमाल की परफॉर्मेंस दे सकता है। साथ में 4GB की रैम, 6GB की रैम और 8GB की रैम देखने को मिल सकती है। 64GB, 128GB और 256GB तक की स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए एक अलग से स्लॉट भी दिया जाए। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे और आगे चीज़ों की, तो कैमराज यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा मिलेगा जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होने वाला है और ये सोनी का IMX686 का होने वाला है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, यानी डुअल फ्रंट कैमरा आपको मिलने वाला है फ्रंट में। उसके अलावा अगर बैटरी को लेकर बात करें, तो बैटरी भी यहाँ पे काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 27 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और ये फ़ोन जो है लगभग आपका 1 घंटा 10 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलने वाला है MIUI 11 और ये लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 पिक के ऊपर जो है रन करने वाला है। तो यही कुछ चीज़ें दोस्तों आपको पोको के X2 में मिलने वाली है और ये फ़ोन 4 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा। तो इसका जो बेस वेरियंट है दोस्तों उसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो बेस वेरियंट है दोस्तों वो इंडिया में लगभग से 14-15 हज़ार की स्टार्टिंग प्राइस से आपको मिल सकता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। तो यहाँ पर X2 को काफी जबरदस्त टक्कर मिल सकती है। बहुत सारे लोग जो है पोको के फोन का वेट कर रहे थे, तो यहां पे उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है और पोको फाइनली जो है कमबैक कर रहा है पोको X2 के साथ में। तो आपके क्या विचार है दोस्तों इस फोन को लेके, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।